अगली टॉपिक हम लोग देखें। इसके पहले हम लोगों ने अस्थाई पवन, सनातनी पवन या प्रचलित पवन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना क्या है, अस्थाई पवन, ठीक है। अस्थाई पवन, ठीक, अस्थाई पवन, ओके। देखिएगा, ये अस्थाई पवन जो है उसके अंदर में हम चार बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हो गया आपका सागरीय पवन, ठीक है, सागरीय पवन, ठीक। दूसरा बिंदु है आपका, वो है स्थलीय पवन, ठीक है, स्थलीय पवन। और तीसरा जो आपका है वो है घाटी पवन, घाटी पवन। और चौथा जो आपका है वो है, उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, पर्वतीय पवन, ठीक है, पर्वतीय पवन, ठीक। ये चार तरह के पवन जो है उसको अस्थाई पवन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं और रख करके इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट टॉक कर लें और कंसेप्ट बना लें। जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना जल्दी ठंडा होगा, पहला चीज समझ गए। और जो जितना देर से गर्म होगा वो उतना देर से ठंडा होगा, ठीक। और एक चीज़ और ज़रा समझ के रखिएगा कि ठोस जो होता है, ठोस है ना, और दूसरा क्या, द्रव्य है ना। तो ठोस द्रव मतलब सॉलिड और क्या, लिक्विड। सॉलिड का होगा जल्दी गर्म होगा, है ना, गर्म करने में क्या करेगा, समय कम लेगा, और ये ठंडा होने में भी क्या करेगा, समय कम लेगा। तो जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये यहाँ पे हमने एरो जो है वो टाइम को लेकर के दिखाया है कि अगर गर्म होने में समय कम लिया तो ठंडा होने में भी समय कम लेगा, ठीक। और लिक्विड जो है क्या करेगा, गर्म होने में अगर ज़्यादा समय लेगा तो ठंडा होने में भी क्या करेगा, ज़्यादा समय लेगा। इसके पीछे कारण क्या है सो समझा जाए। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो है उसका जो कण है वो बिल्कुल पास पास होता है। तो अगर इतना पास पास है तो क्या होता है कि ये वाला चीज गर्म होकर जल्दी से अपना हीट इसको ट्रांसफर कर देता है। तो सॉलिड के अंदर में हीट जो है वो फास्टली ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आपने जैसे घर में देखा होगा कि कई बार कि खाना बनाते समय जो लोहे का जो वो बर्तन यूज करते हैं तो गैस पर ये वाला पॉइंट को हम गर्म करते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर हो करके ये वाला पॉइंट भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो बर्तन जो आपका है ना वो सॉलिड है। तो सॉलिड जो होता है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। इसके पीछे कारण क्या है, कण का पास पास होना। और इसके तुलना में जो द्रव है वो द्रव का कण थोड़ा दूर दूर होता है, तो इसमें पासिंग ऑफ हीट जो होता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, याद रखिए। सॉलिड जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, लिक्विड देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। इस बात को अगर आप समझ गए तो ये वाला जो पवन है वो आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, भारत, मतलब भारत कहने का मतलब क्या, ये वाला हिस्सा जो है वो स्थल हिस्सा है, स्थल समझ रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, लैंड पार्ट है। और इसके दोनों साइड आप जानते हैं कि ये क्या होता है, सागर पॉइंट है ना, ये सागर है, समझ रहे हैं, ये क्या है, सागर है, ठीक। और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं चमका दे रहा हूं सूर्य। जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपको बड़ा क्लियरली समझ में आएगा। सागरीय पवन और स्थल, थोड़ा वो कंसेप्ट जो भी हमने बताया उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैंने क्या कर दिया, ऐसे सूर्य बना दिया और सूर्य जो है वो ऐसे चमक रहा है। तो सूर्य चमकने का मतलब कि आप मेंस जब लिखेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे क्या करने का, ग्राफ से अपना बात कह देने का। सूर्य बना दिया, इसका मतलब ही क्या है कि अभी समय जो है वो दिन का है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन में जो है वो सूर्य चमकता है और दिन का समय है। इसका मतलब सूर्य की प्रकाश जो है वो सूर्य से ना धरातल पर आ रही है, सूर्य से धरातल पर आ रही है सूर्य की प्रकाश। और धरातल पर जब आ रही है तो सूर्य की जो प्रकाश है वो स्थल को भी मिल रहा है और द्रव्य को भी मिल रहा है। और आप जानते हैं कि स्थल जो होता है वो क्या होता है, ठोस होता है नहीं, और जल जो है वो क्या है, द्रव है। तो जल्दी से गर्म ठोस होगा कि द्रव होगा, तो आप जानते हैं कि ठोस जल्दी गर्म हो जाता है। तो जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसकी टेम्परेचर क्या रहेगा, बहुत हाई हो जाएगा, और इसकी टेम्परेचर इसके तुलना में क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ाएगा, और ये देर से गर्म हो रहा है टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो ये जल्दी से हाई हो जाएगा और ये क्या रहेगा, इसके तुलना में ये लो रहेगा। अब देखिए, जब टेम्परेचर हाई होगा तो धरती के ऊपर जो हवा है, अगर धरातल गर्म हो रहा है तो धरातल से सटा हुआ हवा भी साथ में गर्म होगा। और आप जानते हैं गर्म चीजें फैलती है और फैलने के बाद उसका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने का मतलब वो चीज हल्की हो जाती है, और हल्की चीजें हमेशा कहाँ उठती है, ऊपर की ओर, समझ रहे हैं। तो यहाँ की जो हवा है वो धरातल सागरीय स्थल पर सागर के
सतह पर उपस्थित हवा से ज्यादा गर्म कौन वाला हवा हो जाएगा? जो हवा धरातल पर उपस्थित है, मतलब स्थल पर जो उपस्थित है, ये गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, और जब ऊपर उठ जाएगा तो धरातल जो है दबाव मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हवा ही तो प्रेशर लगाता है। तो जितना ज्यादा नीचे हवा रहेगा धरातल को उतना दबा के रखेगा, वायु दाब ज्यादा रहेगा, और गर्म होकर अगर हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ पर वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया, यानी प्रेशर क्या हो गया? लो। तो टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा रिलेशन होता है इस केस में, समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो प्रेशर लो हो गया, यहां टेम्परेचर लो है तो इसके तुलना में प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा हमेशा बहती है, और उसी को हम लोग पवन कहते हैं। हवा कैसे बहती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो हाई प्रेशर यहां है, लो प्रेशर यहां है, तो हवा इधर से इधर बहेगी, समझ रहे हैं? कहां से कहां? सागर से स्थल की ओर। तो ये हवा पैदा कहां से हुआ? सागर से। तो जहां से पैदा होता है उसका नाम वही हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सागरीय पवन, समझ रहे हैं? तो सागरीय पवन के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो आप क्या कहेंगे? आपका उत्तर होना चाहिए कि दिन के समय में सूर्य के प्रकाश धरातल पर नहीं आपतित होती है, मतलब आती है, और आने के वजह से धरातल पर स्थल भाग और सागरीय भाग दोनों गर्म होता है, लेकिन दोनों के गर्म होने की मात्रा अलग अलग होती है, क्योंकि स्थल ठोस होता है और सागर द्रव होता है। तो ये ज्यादा गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। इसका टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई, और हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तेजी से बहती है, और इसी बहते हुए हवा को हम पवन कहते हैं। और ये हवा कहां से पैदा हुआ? सागर से, इसलिए इसको हम सागरीय पवन कहते हैं, समझ गए? अब जरा सा समझिएगा, सागरीय पवन के साथ साथ आप थोड़ा सा अब देखिए, और वो देखिए अब क्या वो देखना है आपको, स्थलीय पवन। अब देखिएगा, ये दिन के जगह पर आप इसको क्या कर दीजिए कि दिन के जगह पर इसको आप रात कर दीजिए, ठीक है? रात कैसे करेंगे? तो जरा देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे चंद्रमा बना डालेंगे, ठीक है? तो चंद्रमा का अर्थ ही हो जाता है क्या चीज? रात, कि अभी समय रात का है, ठीक है? और इधर आप जानते हैं क्या है, इधर सागर है, और सागर में क्या होता है? पानी होता है। तो अब जरा सा देखिएगा कि यहां पर से क्या होगा कि दिन के समय में सूर्य से प्रकाश की किरणें धरातल पर आपतित हो रही थी, लेकिन रात्रि में तो ऊपर से कोई प्रकाश आ ही नहीं रहा, तो दिन भर जो ये गर्म हुआ है ये अब धीरे धीरे ठंडा होगा, मतलब इस बार अब हीट इसमें से निकलेगा। तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा भी होता है, तो यहां पर स्थल जो क्या है? ठोस है। ठोस जल्दी गर्म होता है तो जल्दी से क्या होता है बताइए? ये जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा? जब जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, और टेम्परेचर लो हो जाएगा तो इसका प्रेशर क्या रहेगा? हाई हो जाएगा। टेम्परेचर जहां लो होगा वहां प्रेशर हाई हो जाएगा। रीजन, टेम्परेचर लो होने का मतलब ठंडा हो जाना, तो हवा जो भी इसके संपर्क में आएगा वो हवा भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडी चीजें सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ी हुई चीजें क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, और भारी चीजें कहां बैठती है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बैठ के इस पर क्या करेगी? वो प्रेशर लगा देगी, तो यहां पर प्रेशर हाई हो जाएगा। इसमें देखिए कि कम ठंडा होगा तो इसका टेम्परेचर इसके तुलना में क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो यहाँ का जो हवा है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म रहेगा, तो ज़्यादा गर्म चीज़ें ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी तो दबाव मुक्त हो जाएगा, तो इसकी प्रेशर क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इस बार प्रेशर किसकी हाई है? स्थल की, और इसकी क्या? लो। तो इस बार हवा स्थल से सागर की ओर चलेगी, कहाँ? रात में। तो इसी को, यह स्थल से पैदा हुआ है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्थलीय पवन, है ना? क्या चीज़? स्थलीय, ठीक है? पवन से ज़्यादा शब्द अच्छा इस्तेमाल होता है समीर, तो वो क्या है? सागरीय समीर, और ये जो रात्रि के समय में बहती है वो स्थलीय समीर। तो रात्रि में स्थल से महासागर की ओर जाती है हवा, जिसको हम स्थलीय समीर कहते हैं, और दिन के समय में महासागर से क्या? स्थल की ओर आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महासागरीय समीर। अब जरा देखिए, यहां से कंसेप्ट टॉक करते हैं हम लोग। दिन के समय में क्या हुआ था? तो सागर से जो समीर है वो किधर आया था? स्थल की ओर। और यही चीज जब रात हुआ तो यह चीज क्या हो गया? स्थल से कहां चला गया? सागर की ओर। अब जरा सा एक चीज देखिए कि स्थल से जो हवा उठ रहा होगा तो ये क्या है? सूखा हुआ जगह है, तो सूखा हुआ जगह में तो पानी है नहीं, तो यहां से नमी उठाएगा नहीं, तो जब नमी नहीं उठाएगा तो जो स्थलीय समीर होता है, जो स्थल से सागर की ओर चलता है स्थलीय समीर, इसकी जो समीर होती है वो क्या होती है बताइए? ये
है, ये शुष्क पवन होता है। शुष्क पवन कहने का मतलब इसमें किसी तरह का कोई आर्द्रता नहीं होता है, यह पवन शुष्क होता है। लेकिन जैसे ही दिन के समय में सागर से कहां स्थल की ओर चलती है, तो सागर से पैदा हो रही है तो आसपास के एरिया से ये नमी उठाता हुआ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है, ये होता है, ये होता है आर्द्र पवन, है ना, ये आर्द्र होता है। तो इसमें ये आर्द्र होता है और ये क्या होता है बताइए, ये आपका शुष्क होता है, ये खास अंतर है, समझ गए। दूसरी चीज और समझिएगा, वो है आपका क्या, पर्वतीय समीर और घाटी समीर। इसको देखिए, ये मान लीजिए क्या है आपका, प्लेन है, मतलब समतल है जिस पे हम रह रहे हैं। इसी समतल पर कहीं कहीं पर एक पहाड़ उठा हुआ है, नहीं, और इसी समतल पर क्या है, कहीं कहीं घाटी बनी हुई है, समझ रहे हैं। तो जो गड्ढा भी शेप में धंसा हुआ होता है उसको हम घाटी कहते हैं, और जो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पठार या पर्वत कहते हैं, ठीक। अब इसमें भी देखिए कंसेप्ट हम लगाते हैं कि अगर हम सूर्य बना दिए तो सूर्य बनाने का अर्थ ही क्या है कि समय किस चीज का है, दिन का है। तो दिन के समय में प्रकाश की किरणें क्या होती है, आपतित होती है। तो प्रकाश की किरण जो है वो पहाड़ पर भी आ रही है और साथ में घाटी में भी आ रही है। घाटी गड्ढा है तो ऑब्वियसली इसमें पानी भरा हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये द्रव कंडीशन में है, घाटी में पानी भरा रहेगा, द्रव है, और पहाड़ पर जो पानी बरसा होता भी है वो इससे स्लाइड होकर के नीचे आ जाता है, समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर तो पानी है नहीं, तो ये आपका ठोस कंडीशन में है और ये जो आपका है वो द्रव कंडीशन में है। तो जल्दी से गर्म कौन होता है, ठोस की द्रव, ठोस। तो ठोस की टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा, और इसकी टेम्परेचर क्या रहेगी, लो रहेगी। जब इसकी टेम्परेचर लो रहेगा तो इसका प्रेशर हाई रहेगा, और इसका टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो रहेगा। और आप जानते हैं कि पवन जो है, वायु जो है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो स्थिति क्या होता है कि घाटी से जो पवन है वो पहाड़ की ओर चढ़ती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये घाटी से पैदा हो रहा है तो इसी को हम लोग घाटी समीर कहते हैं, समझ गए। ये है घाटी समीर, और आप देख रहे हैं कि घाटी समीर जो है वो जल से पैदा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, अपने साथ जो ये पवन है वो आर्द्रता भी उठा के लेके जाएगी, माने ये पवन जो होगा वो आर्द्र पवन होगा, समझ रहे हैं, ये घाटी समीर। लेकिन इसी को हम क्या करें, यहां से सूर्य को थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, हटा दें। तो सूर्य को हटाने के बाद आप देखेंगे क्या कि यहां पर हम चंद्रमा बना लेते हैं। तो चंद्रमा बनाने का मतलब क्या हुआ कि अभी का जो समय है वो क्या हो गया, रात हो गया, और रात के समय में यहां से उष्मा आता नहीं है, बल्कि यहां से ये ठंडा होकर के अपना उष्मा को क्या करता है, निकालता है, या अपने उष्मा को निकालेगा। तो ठोस अगर जल्दी गर्म होता है तो ऑब्वियसली जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसकी टेम्परेचर जो हाई थी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर लो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इसमें क्या था कि ये देर से ठंडा होगा तो इसके तुलना में थोड़ा ये गर्म ज्यादा रहेगा, तो इसकी टेम्परेचर क्या रहेगी, हाई रहेगी, तो प्रेशर लो रहेगी। तो रात के समय में जो हवा घाटी से दिन भर ऊपर चढ़ी थी, रात के समय में वो हवा क्या कर जाती है, नीचे की ओर लौट जाती है। तो ये जो पवन है जो पहाड़ से किधर आ रही है, घाटी की ओर आ रही है, तो इसकी उत्पत्ति तो पर्वत से हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पर्वतीय समीर कहेंगे, समझ रहे हैं। ये है आपका पर्वतीय समीर, और पर्वतीय समीर जो है वो ठोस से पैदा हो रहा है, यहां किसी तरह का कोई द्रव है नहीं, तो एक्चुअली ये आर्द्र ना होकर के बल्कि ये क्या रहेगा, ये शुष्क पवन होगा, समझ रहे हैं, ये शुष्क पवन होगा। यही वाली जो कॉन्सेप्ट है आपको हम वर्षा को समझाने में काफी इसका हम यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि इसकी यूजेज जो है वो किस प्रकार से होती है, समझ रहे हैं।